क्या काम है तुम्हें? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना। पागल हो गई हो तुम? हाँ पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हो आपके प्यार में। शादी कर लो ना मुझसे। क्या कह रही हो तुम? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या मुझमें? अच्छा चलो, शादी नहीं करनी ना तो एक और ऑप्शन देती हूँ, मिस्ट्रेस बना लो मुझे अपनी। क्या हुआ, ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं लगा? देखो रूही, शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। जो तुम कह रही हो ना वो पॉसिबल नहीं है। आई एम अ मैरिड मैन और मैं तुम्हारी फ्रेंड का फादर हूं। उस दिन पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे ना ये सब कुछ नहीं सुनना है, आप सिर्फ इतना बताओ कि आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो क्या क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं, पुलिस के पास जाऊंगी और जाके उन्हें बता दूंगी कि आपने मेरा रेप किया है। और वैसे भी आजकल की पुलिस तो बिना सोचे समझे लड़कियों की कही हर बात मान लेती है, तो आप सोच लो। तुम धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, मैं तो प्यार से समझा रही हूँ, पर आपके पल्ले पड़े तब ना। देखो रूही, मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी वाइफ कोमा में है। जब तक मेरी वाइफ जिंदा है तब तक ना तो मैं किसी से शादी करूंगा और ना ही अफेयर रखूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसी को क्या पता कि आपकी बीवी कब तक कोमा में रहेगी, और अगर वो कोमा से बाहर ही नहीं आई तो क्या मैं जिंदगी भर उनका वेट करती रहूंगी? मेरा क्या होगा? अच्छा चलो, मैं ये तो नहीं चाहती, पर सोचो अगर वो कोमा में ही चल बसे तो क्या तब आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? शायद। ठीक है, तो मैं तब तक आपका वेट करना पसंद करूंगी जब तक आपकी बीवी का कोई रिजल्ट नहीं आ जाता। चलती हूँ, आलिया आने वाली होगी ना? Thank you.